सो हे हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको मैं जैसे कि वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, जैसे कि उसके अंदर कालिनेक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं साथ ही साथ वाईफाई क्रैक का पासवर्ड का भी कुछ जुगाड़ू बताऊंगा, इसके अंदर कैसे यूज़ करें कालिनेक्स के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग के अंदर हमको वीएमवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वीएमवेयर इंस्टॉल करना हैकिंग के लिए। तो हम जाएंगे क्रोम के ऊपर, जैसे कि मेरे यहाँ पर आपको शो तो हो रहा है वीएमवेयर वर्कस्टेशन, तो वो ये मेरे आपके शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है? ये मेरे पहले से कर रखा है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं डाउनलोड। तो चलते हैं गूगल क्रोम पर। जैसे कि हमने आपके सामने क्लिक किया है और यहाँ पर VMware डाउनलोड लिखना है, जैसे कि VMware, जैसे कि मेरे पहले सर्च कर रखा है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर जैसे कि डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्लेयर क्लिक, और यहाँ आफ्टर शोइंग ऑप्शन डाउनलोड, जैसे टू ऑप्शन शोइंग ट्राई वर्कस्टेशन 17 प्लेयर फॉर विंडोज, ट्राई वर्कस्टेशन 17 प्लेयर फॉर लिनक्स। जो जिसके पास विंडो है तो वो विंडो के अंदर करेगा, जिसके पास लिनक्स है तो लिनक्स पर करेगा। जैसे कि मेरे पास विंडोज़ है तो आपको भी विंडोज़ पर ही करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ दो आफ्टर स्टार्टिंग डाउनलोडिंग, सो यहाँ पर मैं अभी ऑफ कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल माय कंप्यूटर। तो पोज और आफ्टर लिनक्स जो मैनुअल चीज़ चाहिए होती है उस लिनक्स के ऊपर हम जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं काली लिखूंगा, जैसे आपको काली लिख लेना है, एंटर। जैसे कि ORG की, जैसे काली .org, ये ओरिजिनल वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आफ्टर शोइंग डाउनलोड यहाँ पर जस्ट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेनी ऑप्शंस चूज टू व्हाट डिफरेंट यू वर्चुअल मशीन इज करेक्ट वाई बिकॉज आफ्टर यूजिंग मोस्ट पॉपुलर वर्कस्टेशन यूजिंग लिनक्स आफ्टर बोथ ऑफ विंडोज यूज तो रिकमेंडेड, तो यहाँ पर क्लिक। सो स्क्रॉल डाउन 64 बिट्स, तो यू कॉन्फिग्रेशन आफ्टर योर आफ्टर कॉन्फिग्रेशन चेक योर पीसी कॉन्फिग्रेशन आफ्टर डिसीजन 64 बिट्स 32 बिट्स। ओके, आई 64 बिट्स डिसीजन क्योंकि न्यू लेटेस्ट जैसे कि लैपटॉप्स है तो उसके अंदर 64 आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 64 कैसे बनता है, 8 GB है तो वो 64 का होगा और 4 GB है तो 32 GB का, ठीक है? तो बेसिक मैंने बता दिया है। यहाँ पर आपको रिकमेंड पे वापस क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर आप देख पाऊँगा थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, मैं नीचे करूँगा तो स्क्रॉल डाउन आफ्टर डाउनलोडिंग का ऑप्शन 2.6 GB यहाँ पर शो हो रहा है। यू डिसीजन या ट्राई टोरेंट ब्राउजर आफ्टर टोरेंट ब्राउजर आफ्टर यूजिंग फास्ट स्पीड डाउनलोडिंग और डिसीजन डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक कीजिए, मेरा डिसीजन यही है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है नॉर्मल। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आफ्टर कमेंट राइट नाउ या सो या देख सकते हो 2.7 GB यहाँ पर बहुत टाइम लगता है आपको। मैं प्रिपेयर करूँगा, हाई स्पीड वाईफाई होना चाहिए तभी आप स्पीड के साथ कर पाओगे। और आफ्टर पोज बिकॉज कालिनेक्स ऑलरेडी इंस्टॉल माई कंप्यूटर और लाइसेंस की, तो वी एम वे वर्क स्टेशन की लाइसेंस की
यूज़, तो यहाँ पर मैं लाइसेंस की प्रेस करूँगा, यहाँ पर प्रो 17.4 लाइसेंस की, तो यहाँ पर चेकआउट या फिर या ट्राई टू चेकआउट बिलो द डिस्क्रिप्शन राइट, यहाँ या फॉर जैसे या फॉर देख सकते हो, ये है की यहाँ योर की सोइंग फोक 5 की 1 2 3 4 5 6 की, बिकॉज एनी कंप्यूटर आफ्टर यूजिंग वन इसमें से कोई भी एक यूज हो सकती है की, तो आप सभी ट्राई करना बिकॉज क्योंकि मेरे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि क्योंकि मैंने मेरी ये यूज़ हुई है, आपकी कहीं दूसरी यूज़ हो सकती है, तो आप ऑलरेडी सब ट्राई कर देना, आपकी वीएम वेयर वर्क सेशन एकदम क्लियरली ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर बैक जाऊँगा, जैसे कि आप ये मैं लिखने यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिखने शो करवा दूंगा, तो बिकॉज यहाँ पर मैं यहाँ कट मिनिमाइज आफ्टर शोइंग वीएम वेयर, यहाँ पर जैसे कि आप इंस्टॉल यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर जाओ, जैसे कि आपने वीएम वेयर इंस्टॉल किया उसकी फाइल, और यहाँ पर शो हो जाएगी आपको, तो डाउनलोड के अंदर शो हो जाएगी, रन कर देना आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो ये सिंपल सी चांस है, ये नेक्स्ट करना तो आपको आता है इंस्टॉल करना, तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करो, सीरियल की तो आपको मैंने बता दी है वो, आप अप्लाई अप्लाई द सीरियल की डिस्क्रिप्शन, तो एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा जैसे कि वीएमवेयर वर्कस्टेशन, ये एनवायरनमेंट क्रिएट जो हैकिंग के लिए यूज़ होगा, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग को ऐसा नहीं शो होगा स्टार्टिंग के अंदर बिकॉज क्योंकि मैं वर्क कर रहा था पहले से ही, तो यहाँ शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर करूँगा तो गो टू होम टैब, तो यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने शो द स्क्रीन, यहाँ पर स्टार्टिंग शो फेस स्क्रीन, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ओपन वर्चुअल मशीन, तो मैं अभी मैं दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ इसकी के ऊपर पैरट, जैसे कि पैरट ओएस भी है और लिनक्स का लिनक्स भी है, मेरे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं यहाँ पर एक में यूज कर रहा हूँ, हो जाता है एक में यूज़, ज़्यादा कोई हवा नहीं है जो यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है, ओपन है वर्चुअल मशीन, यहाँ क्लिक करूँगा, जैसे ही आपकी वो डाउनलोड कर रखी है पहले से कालीनेस की फाइल, तो यहाँ पर मैं सेकेंड नंबर पर क्लिक करने पर तो यहाँ पर शो नहीं हो रही अभी मेरे, परंतु आपकी शो हो जाएगी, शो हो जाएगी, आप यहाँ पर ओपन का बटन क्लिक कर देना और हो जाएगा काम, जो मैं यहाँ कैंसिल करूँगा, तो यहाँ पर आपको ये यहाँ सीन तो आपको कंफर्म कंप्लीट कर लेना है, और आफ्टर यहाँ पर मैंने आपको ये सीन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ये सारी ऑप्शंस आपको मैन्युअली डालने पड़ते हैं, तो यू कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स, यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शंस, यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आपको यहाँ पर जैसे कि मेमोरी यानी रैम कितनी देनी है, 4 GB मैंने दे रखी है रैम, आपको भी 4 GB दे देना है, या फिर यहाँ पर टाइप कर सकते हो मैनुअली, कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पर प्रोसेसर आपको आपके प्रोसेसर जितने भी हैं, मेरे पास ज़्यादा है तो मैं थोड़े हाफ सिक्स सिक्स कोर्स है, तो यहाँ पर मैं 4 कोर्स दूंगा, तो कंफर्म यह आपके होना भी चाहिए कॉन्फ़िगरेशंस, और 80 GB मैनुअली स्टोरेज इसको दूंगा पर्सनल, तो आप ये मत सोचना कि स्टोरेज ये फुल फिल हो जाएगा, ये 80 GB की फाइल नहीं है, मैं आपको बदले से बता रखा हूँ, और ये 2 GB की फाइल है, तो यहाँ पर ये 80 GB इसलिए ले रहा है, यहाँ वर्क करने के लिए स्पेस इसको चाहिए, ठीक है, तो ये मैनुअली ये ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक्ड है नॉट यूज या आफ्टर रिप्रेजेंटेड, यहाँ पर जो भी है वो सेटअप कंप्लीटली ओके है, आफ्टर ओके रन इसको लिनक्स यानी ये मशीन्स को रन करना है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है,
जैसे ही मैंने फर्स्ट ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर वीएमवेयर वर्कस्टेशन आ चुका है। तो टाइम लगेगा, और जैसे यहाँ पर आपके सामने ये बूटिंग प्रोसेस है तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको शो हो जाएगा पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपने इंस्टॉल कर लिया है वेलकम आपका इस हैकिंग फील्ड के अंदर। तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने ट्राई की है, ये मैंने गड़बड़ भी की है इंस्टॉल करने में, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई है। जो मैं फेस कर सका हूँ प्रॉब्लम्स को तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, बिकॉज क्योंकि आफ्टर माई चैनल व्यूज़ आई थिंक कम अराउंड 5 व्यूज 6 व्यूज, तो ऑलरेडी सॉल्व योर प्रॉब्लम कॉमेंट नाउ, बिकॉज 1 2 3 कॉमेंट्स आफ्टर आपकी योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर लिनक्स लोगोस क्रिएट यहाँ पर देख सकते हो, वाव बहुत ही शानदार ये आप दिखने लग जाए तो आप समझ लेना कि आपकी लिनक्स मशीन एकदम सही से ऑपरेट हो रही है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अबे आपको सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर लेना और काली लिख लेना, बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी का काली पासवर्ड होता है, एंटर। यहाँ पर भी यूज़र नेम और पासवर्ड सेम होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं बता रहा हूँ। लॉगिन आफ्टर यहाँ पर मिनिमाइज, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेगा, तो ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरफेस देखेगा वो आपके सामने होगा। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्ट ऐसा खुल रहा है मेरे, तो अभी मैं यहाँ पर वर्क कर रहा था, पहले कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ था, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो आपके सामने ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है ऑटोमेटिक, जैसे कि ऑटोमेटिक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ, ये कट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये होती है काली लिनक्स ऑपरेटिंग मशीन, और यहाँ पर आपको पता ही है ये फाइल सिस्टम होम, ये मेमोरी कार्ड इंस्टॉल, यहाँ पर अटैचमेंट के हम जो भी अटैचमेंट करोगे यहाँ से हो जाएगा, और ये नॉर्मली फेस होता है, आपको इसको इंटरफेस को चेंज कर सकते हो उस डिस्प्ले सेटिंग से। जैसे ही आप सेटिंग पर जाते हो तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जो आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। आई थिंक मेरे को ब्लैक स्किन बहुत अच्छी लगती है और दिखने में भी शानदार होती है, तो मैं यही करूँगा। और आइकन के अंदर जाके हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, छोटे बड़े आइकन भी कर सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल चीज़ें तो कर सकते हैं यहाँ पर, फुल्ली कस्टमाइज्ड काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डू नॉट वरी। तो यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पर हमको ये स्क्रीन छोटी है तो हम इसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एंटर द फुल स्क्रीन, ऊपर शो हो रहा होगा आपको ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आपको ये इतनी फुल स्क्रीन शो हो रही होगी, और जैसे कि मेरे को वापस जाना है अपने मशीन या फिर विंडोज़ के ऊपर, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग फेज है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ऊपर एरो लेके जाऊँगा तो ये बार आ जाएगी आपके सामने, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वापस चली जाएगी, ये छोटा फेज हो जाएगा। आप डायरेक्ट बंद मत करना, आपकी फाइल क्रैश हो सकती है, तो मेरा सजेस्ट यही है कि आप जैसे विंडोज़ को बंद करती हो वैसे इसको भी बंद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करना है आपको, जैसे कि आपको यहाँ शो हो जाएगा लॉग आउट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको कॉर्नर के अंदर शट डाउन का बटन भी शो हो जाएगा क्लिक करने पर, ये सब कुछ, तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो, इसका थोड़ा सा टाइम लगता है ऑफ़ होने का, तो ये ऑफ हो जाएगा। और अगली वीडियो हम लेके आने वाले हैं पैरेटो ओएस के बारे में, तो मैंने ऑफ कर दिया, मेरा एंटीवायरस ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है, तो ये भी मेमोरी कार्ड भी शो करने लग गया है,
ये ऑटोमेटिक हो रहा है फंक्शन, ये हो चुका है हमारे। और पैरोट ओएस आप जानते होंगे, इको लिनक्स का आप समझ सकते हो ब्रदर्स, तो वो भी हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इंस्टॉलेंस प्रोसेस ऑटोमेटिकली ये लाइटरूम ओपन हो चुका है। तो अभी मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ, आपको पसंद आई इस कमेंट के अंदर जरूर लिखना। और यहाँ तक वीडियो कंप्लीट ही हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बना के लेके आएंगे आपके सामने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।